भारी बारिश के चलते संजय सागर बांध के 7 गेट खोल दिए गए हैं। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी किया गया है। प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। डैम के पानी से फसलों को नुकसान हुआ है। डैम के गेट का नजारा देखने लोगों की भीड़ भी उमड़ रही है। भारी बारिश के चलते शमशाबाद संजय सागर डैम के सुबह सभी गेट खोले गए। धीरे धीरे वाटर लेवल को मैनेज किया जा रहा है। अभी 7 गेट खुले हैं, जिससे निचले इलाकों में खेतों में खड़ी फसलों को काफी नुकसान हुआ। वहीं प्रशासन भी भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर है। विदिशा जिले के कई तहसीलों का जिले से संपर्क टूट गया है। अभी भी कई रास्ते बंद हैं। ग्राउंड जीरो से जायजा लिया हमारे संवाददाता अभिषेक जैन ने। आज में लगातार 2 दिनों से हो रही भारी वर्षा से यहाँ के संजय सागर बांध के में पानी भर जाने के कारण 7 गेट खोल दिए गए थे, जिसके चलते भोपाल शमशाबाद मार्ग भी बंद हो चुका था। अब आप देख सकते हैं पानी कम होने के कारण कुछ गेट बंद कर दिए गए। अब आप देख सकते हैं हमारे साथ कुछ लोग आए हुए हैं, उनसे बात करते हैं। क्या बात है, कैसा लग रहा है आपको? मेरा नाम सोनू धाकड़ है और अभी 3 दिनों से क्षेत्र में लगातार बारिश हो रही थी। इसके कारण हमारे संजय सागर बांध का जल भराव काफी अधिक हो गया था। प्रशासन ने आज सुबह सभी गेट खोल दिए थे, लेकिन अभी बारिश थोड़ी कम हुई है तो अभी वर्तमान में 7 से 8 गेट खुले हुए हैं। और भोपाल सिरोंज जो हाईवे है वो भी सभी गेट खोलने के कारण बंद हो गया था, लेकिन अब चालू कर दिया गया है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में सैलानियों के द्वारा जो डैम भरा हुआ है, जिसके गेट खोले गए हैं, उसका लुत्फ उठाया जा रहा है। बस सभी लोग यहाँ घूमने आ रहे हैं। प्रशासन द्वारा अलर्ट जारी किया गया है निचली बस्तियों में, जो कि हम ग्रामीण लोग हैं और डैम के नीचे निवास करते हैं, तो पानी भर जाने के कारण कई एक दो गांवों से लोगों को निकाला गया है, जो कि वहां पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है। मैं वॉइस ऑफ राइट से अभिषेक जैन, शमशाबाद।